और आंध्र प्रदेश के गुंटूर में एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। पुलिस जिन शराब की बोतलों को नष्ट करने की तैयारी कर रही थी, वहीं पर शराब की लूट मच गई। आंध्र प्रदेश में नशे के खिलाफ अभियान चल रहा है। गैर कानूनी तरीके से बेची जा रही शराब पकड़ी जा रही है और उन्हें नष्ट करने के लिए बुलडोजर चलाया जा रहा है। लेकिन गुंटूर से आई ये तस्वीर हैरान करने वाली है। सड़क पर शराब की बोतलों को नष्ट करने की तैयारी चल ही रही थी कि तभी लोगों ने शराब की लूट मचा दी। मौके पर पुलिस मौजूद रही, लेकिन जिसके हाथ में जितनी बोतलें आई वो लेकर चलता बना। कुछ पल के लिए पुलिस कर्मियों को भी कुछ समझ में नहीं आया। हालांकि पुलिस कर्मी कुछ लोगों से शराब की बोतल वापस लेते हुए दिखे, लेकिन इस तस्वीर ने बता दिया कि आम लोग नशा मुक्ति अभियान को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं। उत्पाद विभाग ने हाल ही में तेलंगाना के अलग अलग इलाकों में छापेमार कर शराब के 23 कार्टन बरामद किए थे और अवैध कारोबारियों के बड़े गैंग का खुलासा किया था। प्रशासन इन्हीं शराब की बोतलों को नष्ट करने की तैयारी कर ही रहा था और यहां शराब की लूट मच गई। देहरादून के व्यस्ततम और सबसे बड़े पल्टन बाजार में पुलिस ने बड़ा वेरिफिकेशन ड्राइव शुरू किया है। SSP अजय सिंह की अगुवाई में दर्जनों पुलिस कर्मियों ने यह अभियान शुरू किया। देहरादून का दिल और सबसे पुराने बाजार पल्टन बाजार में आज भारी पुलिस बल देखने को मिली। तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए खुद SSP अजय सिंह ने मोर्चा संभाला और बाजार में बेढंग तरीके से लगे ठेले वालों का सत्यापन किया और पल्टन बाजार से 134 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया। इसके अलावा बाजार के चारों तरफ वेरिफिकेशन ड्राइव चला जा रहा है। मौके पर खुद SSP ने मोर्चा संभालते हुए बाजार में खरीदारी करने आ रही महिलाओं से भी बातचीत कर स्थिति का जायजा लिया। इसके साथ ही महिलाओं से अपील की गई है कि अगर कोई भी अभद्र व्यवहार या छेड़छाड़ करे तो तुरंत पुलिस को इसकी शिकायत करे। दरअसल पिछले दिनों पल्टन बाजार की एक दुकान में युवती के साथ विशेष समुदाय से जुड़े युवक द्वारा छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया था, जिस पर पुलिस ने तुरंत मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन रविवार को मुस्लिम संगठन के बैनर तले बाजार बंद कर DM दफ्तर पहुँच विरोध दर्ज कराया गया, जिसके बाद हिंदू संगठन भी सामने आए और युवती से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी के समर्थन में बाजार बंद करने वालों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इसके बाद से बाजार में तनाव की स्थिति देखने को मिल रही थी। और बिहार के समस्तीपुर से एक अच्छी खबर आई है। यहां भारतीय रेल ने एक ऐसा नेक काम किया है जिसकी चारों तरफ तारीफ की जाए। देखिए, खबर यह है कि ट्रेन में सफर कर रही महिला ने भारतीय रेल और समस्तीपुर रेल प्रशासन की मदद से चलती ट्रेन में बच्चे को जन्म दिया। जच्चा बच्चा दोनों ठीक है। वहीं पिता के चेहरे की ये मुस्कान भी बता रही है कि वो कितने खुश हैं। दरअसल बरौनी समस्तीपुर रेलखंड पर डिब्रूगढ़ चंडीगढ़ एक्सप्रेस में सफर कर रही एक महिला ने बच्चे को जन्म दिया। समस्तीपुर स्टेशन पर ट्रेन के पहुंचने पर रेलवे हॉस्पिटल की डॉक्टर पायल मिश्रा की अगुवाई में सुरक्षित प्रसव कराया गया। डॉक्टर पायल मिश्रा ने बताया कि जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। जानकारी के मुताबिक बरौनी से ट्रेन में सवार होकर महिला रजनी देवी मुजफ्फरपुर के लिए निकली थी। ट्रेन के बरौनी से खुलने के बाद ही महिला को प्रसव पीड़ा शुरू हुई, जिसके बाद साथ चल रहे उसके पति ने TT और RPF को इसकी जानकारी दी। इसके बाद 139 पर कंट्रोल रूम में जानकारी साझा की गई। सूचना मिलते ही समस्तीपुर स्टेशन पर डॉक्टर पायल मिश्रा की अगुवाई में मेडिकल टीम समस्तीपुर स्टेशन पहुंची और महिला का सुरक्षित प्रसव कराया।